क्लास नाइन्थ का मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 चल रहा था, जिसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 हो चुका था। क्वेश्चन 4 और 5 आज मैं इस वीडियो पे करने वाला हूँ। तो देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है। क्वेश्चन 4 कहता है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी ये जो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, 4 पॉलिनोमियल्स दिए हुए यहाँ पर, इन 4 पॉलिनोमियल्स में से इनका डिग्री बताना, यानी इनका पावर बताना, ठीक है ना। ये डिग्री मैंने पहले ही बताया था कि डिग्री मीन्स क्या होता है। डिग्री आपका हो जाएगा पावर, ठीक है, ये आपका पावर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट गेटिंग लेट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 5x³ + 4x² + 7x, ठीक है। तो डिग्री मतलब क्या होता है, पावर बताया। तो यहाँ पर, यहाँ 3 भी पावर है, 2 भी पावर है, इसमें 1 पावर है, तो कौन सा पावर आपको लिखना है। यानी कि यहाँ पे लिखना है जो हाईएस्ट पावर होगा, है ना, जो सबसे ज़्यादा उच्चतम जो घात होगा, उच्चतम घात, तो हाईएस्ट पावर को ही यहाँ पर लिखना होगा। तो इसका घात कितना हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो चूँकि आप देख रहे हैं यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 3 है, हाईएस्ट क्या है 3, तो 3 हो जाएगा पावर। नंबर 2, नंबर 2 पर क्या है, 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो हाईएस्ट डिग्री दिख रहा है वो 2 है, तो यहाँ आपका आ जाएगा डिग्री इसका 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 3 बहुत ही आसान है, 5t - √7, ठीक है। तो यहाँ देखिए घात याद रखिए जो घात जो होगा वो हमेशा पावर जो होगा, यानी डिग्री जो होगा हमेशा जो लिटरल होगा, यानी एक्स वाई जेड जो होगा, यानी ए से लेकर जेड तक जो नंबर होगा उसी में पावर होगा, ठीक है ना। तो इसका पावर कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका डिग्री जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 3 हो गया। नंबर फोर पे क्या है, देखिए 3, तो ये एक ऐसा है ये नॉन जीरो एक नंबर है, तो नॉन जीरो का जो पावर, नॉन जीरो पॉलिनोमियल जो है उसमें जो पावर होता है, यानी जो डिग्री होता है वो 0 होता है, तो इसका पावर यानी डिग्री हो जाएगा 0, ठीक है। ये 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन फाइव कहता है क्लासीफाई द फ्लोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो मैंने पहले बताया था कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल बताया था कि एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी, है ना। टर्म ये एक टर्म हुआ 5t, है ना, √7 एक टर्म हुआ, दो टर्म हो गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर देखिए एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, है ना, तो ये क्या हो गया आपका, 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल हो गया। तो यहाँ पर टर्म नहीं बताना, यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 5 पे बताना है आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, मतलब कि जिसका पावर, वैसा पॉलिनोमियल जिसका पावर 1 हो दैट इज कॉल्ड लीनियर, और वैसे पॉलिनोमियल जिसका पावर 2 हो दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, एंड वैसे पॉलिनोमियल जिसका पावर 3 हो, यानी जिसका घात 3 हो, उसे क्या कहते हैं, त्रिघातीय, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले थोड़ी सी मैं इस पर डिस्कस कर देता हूँ। लीनियर बोलते हैं जिसका डिग्री 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, है ना, और आपका क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक तो बहुत ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। लीनियर आपका जो इक्वेशन करते हैं उसमें आपका डिग्री 1 आता है, 1 वाला जो लीनियर इक्वेशन करते हैं उसमें। क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए आपका 2, और क्यूबिक में जैसे नाम से पता चल रहा है क्यूबिक, तो ये हो जाएगा इसका डिग्री हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो अब देखिए ये इसमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है x² + x, ये किस टाइप का पॉलिनोमियल बताइए। तो यहाँ पावर क्या देख रहे हैं, हमने क्या बताया कि जिसका पावर 1 हो लीनियर, 2 पावर वाला क्वाड्रेटिक, 3 पावर वाला क्यूबिक, तो यहाँ पावर हाईएस्ट कितना है, 2 है, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, यानी द्विघातीय बहुपद है ना, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। नंबर टू है x - x³। पावर कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर आपका 3 है, तो 3 पावर वाले क्या बोलते हैं, क्यूबिक, तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक आप पॉलिनोमियल लिख सकते हैं यहाँ पर। नंबर थ्री है y² + y² + 4। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 है, ठीक है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर क्या है, ये हो जाएगा 2, तो 2 पावर है, तो 2 पावर लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, तो ये भी हो गया आपका क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और 3 हो गया, नंबर 4 इसमें बिठा देता हूँ। नंबर 4 आपका क्वेश्चन है 1 + x, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ ये कॉन्स्टेंट पहले है और वेरिएबल बाद में है, आप इसे x + 1 भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल लिख इसमें नहीं है, तो पावर क्या है, 1 है,
तो वन पावर इसका मतलब क्या हुआ, ये लीनियर हो गया, जिसका पावर ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, वन हो, तो लीनियर पॉलीनोमियल हो जाएगा, है ना। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये लीनियर इक्वेशन भी होता है, फाइव क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी होता है। फाइव फाइव पर आपका है थ्री टी, देखिए थ्री टी, टी का पावर कितना है, कुछ नहीं है तो वन है, कुछ भी नहीं मतलब वन है, तो वन है तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लीनियर, तो ये लीनियर पॉलीनोमियल टाइप है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। नंबर फाइव, नंबर सिक्स, नंबर सिक्स पर आपका जो क्वेश्चन है वो है सेवन एक्स क्यूब, सेवन एक्स क्यूब, तो सेवन एक्स क्यूब जो है आपका सॉरी नंबर सिक्स नहीं नंबर सॉरी मैंने नंबर सेवन लिख दिया यहाँ पर, नंबर सिक्स में आपका है आर स्क्वायर, है ना, नंबर नंबर सिक्स है आपका आर स्क्वायर, ओनली आर स्क्वायर, तो ये भी एक पॉलीनोमियल है ना, सिंगल टर्म है यानी मोनोमियल है, ये एक टर्म वाले को मोनोमियल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, पावर देखना है, तो पावर टू है तो क्या हो जाएगा, अगर पावर टू है तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जाएगा, क्लियर, ठीक है ना। नंबर सेवन लास्ट, एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फाइव का क्वेश्चन सेवन, सेवन हो जाएगा क्वेश्चन सेवन एक्स क्यूब, तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है, एक ही टर्म है, ये सिंगल टर्म है, ठीक है, तो सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म में जो क्वेश्चन एक्स है उसका पावर हाईएस्ट थ्री है, तो थ्री पावर वाले को हम बोलते हैं क्यूबिक, तो ये हो जाएगा आपका क्यूबिक, है ना, सी यू बी आई सी, क्यूबिक पॉलीनोमियल हो गया। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 एंड होता है, और होप दैट मैंने यहाँ पर काफ़ी मेहनत करके आप लोगों को बताया है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में, है ना, और लाइक करें इसे, और इसे बार बार अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, और जो भी इसमें आप जितना भी ज़्यादा समय देंगे, जितना भी टाइम देंगे, उतना ज़्यादा आपका परफेक्ट होगा मैथ्स, ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो पर बने रहें, ठीक है, थैंक यू।